दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। SCI से आज हम लोग सिटी टूर पे निकले हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और हमारे साथ सभी प्रशिक्षणार्थी। देखते हैं कहाँ चल रहे हैं सर आज हम लोग। सर कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अच्छा, एक्चुअली ये जाम नहीं है, रेड सिग्नल है, लेकिन क्राउड देखिए आप लोग। होटल लोग सिग्नल पर रुके हुए हैं। जैसा मैं आपको बताता भी हूँ कि जब आप महानगरों में जाओगे तो ये व्यवस्था मिलेगी, आपको सिग्नल पर रुकना पड़ेगा। बलिया वाले भाई, महानगरों में मनमानी नहीं होती है, है ना? लेकिन अच्छी चीज़ आप जो देखें, जो मैं हेलमेट के लिए आपको कहता हूँ ना, देखिए, इक्का दुक्का वो भी हेलमेट उतार के हाथ में लिए होंगे, निश्चित रूप से पहनेंगे, वरना टोटली 100% हेलमेट दिखाई दे रहा है। अब ये सिग्नल हो गया, लेफ्ट का, राइट का, स्टेट का, सारे एक साथ। अब कितनी जल्दी सिग्नल से ये भीड़ ख़त्म होगी ये देखिए आप। इसमें आपको झल्लाना नहीं है, क्रोधित नहीं होना है, बस सिस्टम को फॉलो करना है, सुरक्षित यात्रा करना है। अब आपको वायलेशन दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना, सफ़ेद पट्टी, स्टॉप लाइन के आगे जो गाड़ियाँ, देखिए ऑटो वाला धीरे धीरे पीछे कर रहा है, यानी वायलेटर हर जगह है, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। पेनाल्टी इसीलिए तो बनी हुई है, अभी कोई यहाँ कैमरा होगा तो उनकी पेनाल्टी हो रही होगी, अगर कैमरा नहीं होगा तो ट्रैफिक वाले की नज़र पड़ते ही उनकी पेनाल्टी होगी। इसलिए बताया था कि ये स्टॉप लाइन देख रहे हैं, वाइट वाली लाइन, उसके पीछे रहना। अभी भी सिग्नल रेड है, यानी दोनों सिग्नल की टाइमिंग अलग होगी। रेड बहुत ज़्यादा समय के लिए हो सकती है और ग्रीन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि वो चारों तरफ है, विड्रॉल चारों तरफ से करना है। अगर एक तरफ का ग्रीन ज़्यादा कर देंगे तो फिर जो है दूसरे तरफ की जाम की स्थिति हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए सारे क्राउड को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। अभी भी ये रेड ही है। मैं स्कूलों में जाता हूँ तो ये चीज़ बताता हूँ कि अलग अलग सिग्नल के अलग अलग टाइमिंग होंगे, जैसा फ्लो होगा, जैसा पॉपुलेशन, उस रोड पर जितना ट्रैफिक दबाव होगा उस हिसाब से सिग्नल्स के टाइमर सेट होते हैं। आप जो देख रहे हैं अभी भी रेड है, लेकिन ये वायलेटर जो एक जोमेटो वाला और एक ऑटो वाला, ये स्टॉप लाइन से आगे है, ऐसा नहीं करना है। बलिया के ट्रैफिक बेहतर करने में वीडियोज़ से मदद मिले, और आप ये न समझें कि केवल बलिया में ही हेलमेट की बात की जाती है, यहाँ बात नहीं की जाती है, यहाँ तो सीधे चालान किया जाता है। और हम इंटीरियर और रूरल में हैं, इसलिए बात करते हैं, समझाते हैं, आपकी लाइफ, आपके जीवन की कीमत बताते हैं और आगे भी बताएंगे। अब ग्रीन सिग्नल हो गया है, अब हम राइट टर्न ले रहे हैं। और ये गच्ची बोली इसी इलाके में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और गच्ची बोली में ही साइबराबाद बना है। साइबराबाद का तात्पर्य है कि यहाँ साइबर तथा टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। कैफे हैं, साइबर कैफे बहुत बड़े बड़े, इसलिए इसका नाम साइबराबाद है। अभी भी देखो हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं धीरे धीरे, समथिंग 7 से 8 मिनट हो गए और अभी तक हम अपने वे में अपने रास्ते पर मुड़ नहीं पाए हैं। अब जा करके ये बस बिल्कुल यू टर्न होके दूसरी साइड से निकलेगी। ये हमारे ट्रैफिक वाले दोस्त हैं हैदराबाद के, कुछ भी अलग नहीं है,
बस हैदराबाद में टेक्नोलॉजी अवेयरनेस जागरूकता बहुत ज़्यादा है और मजबूरी भी है, यहाँ जागरूक नहीं होंगे तो यहाँ बात कोई नहीं करता, सीधा पेनल्टी है। ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा जहाँ ट्रैफिक हो अगर वहाँ रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो कितने एक्सीडेंट होंगे, कैसे लोग अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसलिए यहाँ रूल्स बहुत सख्त हैं, पेनल्टी बहुत सख्त है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिए, अब हम अपने गंतव्य तक जब पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, आता बिल्कुल फ्लाई ओवर से देखिए, आई फ्लाई ओवर के ऊपर फ्लाई ओवर, क्या बात है। यहाँ ये इस बिल्डिंग को देखिए, हाइट देखिए, सिस्टमेटिक में बहुत सारे साइबर कैफे होंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऑफिस होंगे। ये इलाका हैदराबाद का साइबराबाद है, साइबराबाद गच्ची वल्ली में पड़ता है, इसी गच्ची वल्ली में हमारा ट्रेनिंग कैंपस भी है, ESCI इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, ESCI हाईटेक सिटी दुर्गम चिरू। एक्चुअली तेलंगाना जिस ज़मीन पे बसा है वो ज़मीन पथरीला है, पहाड़ी इलाका, यहाँ बिल्कुल फ्लैट रोड आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप थोड़ा फ्लैट जाओगे तो फिर बहुत हाइट चढ़ना पड़ेगा, फिर बहुत स्लो नीचे ढलान है, ऐसे ही पूरा का पूरा तेलंगाना। देखें आप कितनी बड़ी बिल्डिंग है उसके बगल में, अभी पथरीला झाड़ी, यहाँ आके फिर हो गए फिर रेड सिग्नल, अभी ग्रीन दिखाई दे रहा है, अब देखें अभी ग्रीन हो गया है, लेकिन निकलते निकलते क्या पता फिर रेड हो जाए, कोई ठीक नहीं है। आलवे गिडाल है, चारों तरफ आप जा सकते हैं, चारों तरफ के सिग्नल ग्रीन है, लेफ्ट राइट स्टेट। हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी, एक्चुअली हमने भी देखा नहीं है, इसलिए जो है पहले नहीं बता सकते लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे, या राइट को जा रहे हैं। यस, इधर का कुछ इलाका जरूर दिखाऊंगा, जैसा तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल पहाड़ भी देखिए, बिल्कुल ढलान है, ढलान पर उतर अब ये सब हुए, छोटा रास्ता है। ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग राष्ट्रीय ध्वज जिस पे लहरा रहा है उसी के अंदर जाना है, शिक्षण का हिस्सा है, ये इनका गार्ड है, अलाउ करने से पहले अपने बॉस से इंफॉर्मेशन शेयर करना। ये बिल्डिंग अब यहाँ से हम लोग पैदल ITS का सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। Still, we'll go for an introduction. Just to interact, make it an interaction point, and please go. We do highways in terms of, we do have software for highways. We are working extensively with Q Highways, and we are providing our software to all of their stretches for managing ATMS, which is traffic
advanced traffic management system. So before we dive into the presentation which my teammates will give, we started from zero. For example, if you look at Lucknow, when before we have deployed our signals, it had five signals, five or ten signals, but majority only two or three were working on a daily basis. हम तीन चीजों के बारे में हमने बात किया. पहले ATCS एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे सिग्नल्स को हम स्मार्ट करा सकते हैं सेंसर के सेंसर्स को इस्तेमाल करके. दूसरी चीज है हम हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया, जहाँ पे NHA के एज पर रिक्वायरमेंट्स IoT डिवाइसेस और सेंसर्स हम इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर यूज करके कैसे हम हाईवे को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकें. तीसरी चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी यूज करके हम कैसे बसेस का रूट और टाइम टेबल हम सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं, और उसके ऊपर GPS इस्तेमाल करके फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ बसेस, ताकि डेपो मैनेजर्स मॉनिटर कर सके रियल टाइम में बसेस क्या कर रहे हैं वर्सेस व्हाट दे आर सपोज टू डू, और ऑपरेशनल इंटरवेंशंस वो दे सकते. थैंक यू वेरी मच. और मोटो होगा ना सर आपका? मोटो जी लाइट ऑन कर दे. ठीक है सर, आ रहा है, बढ़िया है. लाइट ऑन कर दीजिए ना. मोटो की टेक्नोलॉजी यूज करके हम मोबिलिटी को कैसे स्मूथ करा सकते हैं, वही हमारा जी. Using technology, how do we make traffic better, or how to make mobility better? जी, thank you sir. Thank you. So, any questions sir, please invite now. So, shall we come to room now? Thank you. Must be captured in this camera. So, what is it? I have to be captured. Must be captured. जो आपको पकड़ लिया है ना, तो वो बहुत लंबे समय तक तुम फंसे रहोगे. अब हम लोग वापस जा रहे हैं. आप लोग देखें ऊंची बिल्डिंगों के नज़ारे. मैंने पहले भी कहा था कि ये पहाड़ पे है, कहीं भी सीधा सरफेस आपको नहीं मिलेगा, कहीं ढलान मिलेगी कहीं चढ़ान मिलेगी, लेकिन जैसे भी है बहुत खूबसूरत तरीके से हैदराबाद में साइबराबाद को बसाया गया है. ट्रैफिक देखिए, इधर भी एक आध विदाउट हेलमेट, यानी कि पूरे इंडिया में वायलेटर मिलेंगे लेकिन बहुत ही कम. आप खुद देखो, देखिए एक ये जा रहा है विदाउट हेलमेट, इक्का दुक्का है. हालांकि अभी डबल सवारी हेलमेट यहाँ भी कम ही है, लेकिन ड्राइवर हेलमेट परसेंटेज. और आगे चलते हैं, आपको मकसद है हैदराबाद की ट्रैफिक के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान हो जाए, क्योंकि हैदराबाद बहुत ही एडवांस सिटी है. यहाँ ट्रैफिक के लिए हिंदुस्तान में जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ इस्तेमाल की जाती है, और उन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने के बाद जो परिदृश्य ऑन रोड दिखाई देता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप ट्रैफिक के प्रति अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, क्यों केवल हैदराबाद ही रहे, बलिया क्यों नहीं. और मुझे तो बलिया को बेहतर करना है, क्यों तो हम बलिया के बारे में सोचेंगे. देखिए आप, ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तीन ओवरफ्लाई, नीचे ग्राउंड पे मेन रोड, उसके ऊपर ओवरफ्लाई, फिर उसके ऊपर
सप्लाई। अब कंस्ट्रक्शन तो होगा लेकिन जगह तो नहीं बढ़ सकती ना, तो जाहिर सी बात है कि आसमान में ही जाना है। ये हमारे ESCI का मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, बाहर से आपको ESCI का बाउंड्री और एरिया में दिखाता हूँ। ड्राइवर साहब अपनी गति से वाहन को चला रहे हैं। देखिए ESCI का मेन गेट, आगे कट से घूम के ही आएंगे। ये कट है और यहाँ से यू टर्न लेके हम ESCI में, ESCI का फुल फॉर्म एक बार और देखिए, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। ये मेन गेट, ये हमारा ट्रेनिंग प्लेस है, ट्रेनिंग हम यहीं ले रहे हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रैफिक से रिलेटेड, उनका प्रयोग, उनका फायदा। ये हमारी मेन बिल्डिंग है ESCI का, जिसमें पर डे क्लासेस चलते हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं, अपने हॉस्टल की तरफ। ये हॉस्टल के बीच में ये पड़ता है हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जहाँ होता है डाइनिंग हॉल पार्टी सीपैक। यहीं रुकेंगे, अब लंच लेके ही चलेंगे। ये लंच वाला हमारा एरिया, डाइनिंग हॉल। ये एक खूबसूरत डाइनिंग हॉल है। सभी ट्रेनीज अपने अपने थाली के करीब, लंच में क्या क्या है। देखिए सर क्या क्या दे रहे हो। सर आपका पूरा डिश मैं ले लूं पहले, और अब हम भी लंच करते हैं। ओके